नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ पर हम लोग विशेषकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक का आयोजन होता है और इस वर्ष ये बैठक अपनी भुज में हो रही है। परसों दिनांक 5 नवंबर को प्रातः 9 बजे से इस बैठक का शुभारंभ होगा और दिनांक 5, 6 और 7 नवंबर तीनों दिन अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक चलेगी। बैठक इसी परिसर में होगी और भुज में या कच्छ परिसर में ये बैठक पहली बार हो रही है। इस बैठक की दृष्टि से अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, अपने माननीय सरकारी व दत्तात्रेय उद्बली जी, ये सभी लोग परिसर में आ चुके हैं और कुछ प्रारंभिक बैठकों का दौर में वो सहभागी हो रहे हैं। बैठक में संघ के सभी प्रमुख पदाधिकारी, जिसमें सभी सहसर कार्यवाह जैसे श्रीमान मनमोहन जी वैद्य, कृष्ण गोपाल जी, श्रीमान मुकुंद जी, अरुण कुमार जी और रामदत्त जी, इनके साथ ही संघ के जो कार्य विभाग है वो सभी कार्य विभाग के जो प्रमुख है यानी शारीरिक, बौद्धिक, प्रचार, प्रचारक और व्यवस्था, संपर्क, सेवा, ये सभी प्रमुख विभागों के जो अधिकारी है वो भी इसमें सहभागी होंगे। विविध क्षेत्र के सभी इसमें सहभागी नहीं होते हैं, कुछ चयनित संगठन है प्रमुख उनके संगठन मंत्री लोग यहाँ पर शामिल होंगे, जिसमें विशेषकर विश्व हिंदू परिषद, भाजप, विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ, ऐसे कुछ संगठन। और साथ ही इस बैठक में जैसे कई विषयों पर चर्चा होगी, स्वाभाविक है कि अभी पिछले दिनों नागपुर में विजयादशमी उत्सव हुआ था संघ की दृष्टि से, उसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी का जो उद्बोधन हुआ उसमें देश की वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में और हिंदुत्व के संदर्भ में कई विषयों पर उन्होंने अपने विचार रखे। उन विषयों को समाज में आगे कैसे ले जाना, इस दृष्टि से इस बैठक में चर्चा होगी ताकि वो विषयों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। संघ की दृष्टि से उससे प्रेरणा लेकर कई प्रकार के संगठन समाज में कार्यरत हैं। पिछले दिनों ऐसे सभी संगठन की महाराष्ट्र के पुणे में एक समन्वय बैठक हुई थी, अखिल भारतीय समन्वय बैठक। उस बैठक में भी कई सारे अनुभव उन्होंने साझा किए थे और कई सारे सुझाव भी दिए थे। उन सुझावों पर भी कार्यकारी मंडल में चर्चाएं होगी और उसके संदर्भ में जो भी विषय आगे निश्चित होंगे उसकी जानकारी बैठक के अंत में आपको दी जाएगी। अभी जैसे 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 आपने देखा कि संघ में तो समय के साथ जो भी बातें सामने आती है उस पर विचार होता है और जैसे समाज के संदर्भ में उसमें अपेक्षित बदलाव की चर्चा होती है, वैसे संगठन में यानी संघ में भी जो अपेक्षित बदलाव है उसकी भी चर्चा होती रहती है। इस संदर्भ में इस बैठक में एक विशेष चर्चा होगी कि संघ में जो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है, संघ शिक्षा वर्ग, जिसमें अभी तक की जो विधि है प्राथमिक वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष केवल नागपुर में होता है, तो ऐसे संघ शिक्षा वर्गों के पाठ्यक्रम में बदलाव की योजना चल रही है। उस संदर्भ में कुछ पूर्व योजना है, पूर्व में कुछ बैठकों में विचार विमर्श भी हुआ है, वो सारे विषयों पर यहाँ इस बैठक में विस्तार से चर्चा होगी और उन आगामी 2024 में जो संघ शिक्षा वर्ग होंगे उसके पाठ्यक्रम को अंतिम स्वरूप इस बैठक में दिया जाएगा। बैठक के अंत में इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, उन्होंने घोषणा की है कि आगामी 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। अयोध्या में जो कार्यक्रम होगा उसके साथ ही पूरे देश भर में हरे
हरेक शहर में, गाँव में, अलग अलग मंदिरों में भी कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में उन्होंने आह्वान किया है। इस संदर्भ में ऐसा एक महत्वपूर्ण कार्य के समय संघ की क्या भूमिका रहेगी, उनके आह्वान पर संघ उनमें कैसे सहभागी होगा, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी और इसके बाद सभी सदस्यों के लिए जो सूचनाएं वो भी जाएगी और पूरे समाज के लिए जो आह्वान होगा वो भी इस बैठक के पश्चात किया जाएगा। अभी आगामी दृष्टि से और शताब्दी वर्ष के बारे में भी लगातार आप लोग चर्चा करते रहे हैं। 2025 में संघ कार्य को 100 वर्ष हो रहे हैं। 1925 में अपने देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस संगठन को का कार्य प्रारंभ हुआ था। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव मुरलीराम हेडगेवार जी ने ये कार्य को प्रारंभ किया था और लगातार कार्य 100 वर्षों इसने 98 वर्ष में बढ़ता ही गया है। तो स्वाभाविक रूप से 2025 में 100 वर्ष हो रहे हैं तो उस संदर्भ में एक योजना पर लगातार काम चल रहा था, कार्य विस्तार, और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपना समय भी दिया था, शताब्दी विस्तार भी निकले थे। तो इस दृष्टि से इस संदर्भ में जो लक्ष्य रखे गए थे अपने शाखा कार्य के विस्तार के संदर्भ में, तो लगातार हर 6 महीने में हम उसकी समीक्षा कर रहे। इस बैठक में भी उस लक्ष्य पूर्ति के बारे में समीक्षा होगी और अगले लगभग 1.5 वर्षों में हम अपने लक्ष्य को कैसा पूरा करेंगे इसके संदर्भ में भी यहाँ पर चर्चा होगी और क्या क्या अभी तक हुआ उसकी समीक्षा होगी और आगे इसको और गति कैसे दे सकते हैं इस संदर्भ में भी विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही शताब्दी के संदर्भ में आगामी समय में उसको किस तरीके से समाज के सामने लाया जाए, जैसे पूजनीय सरसंघचालक जी के विजयादशमी उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि 2025-26 ये शताब्दी वर्ष, मतलब पूर्ति का शताब्दी पूर्ति वर्ष रहेगा, तो उस संदर्भ में भी यहाँ पर विचार विमर्श होगा जिसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। स्वाभाविक एक विषय पर जो आह्वान किया गया था विजयादशमी उद्बोधन में कि सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से जैसे लगातार ही, मतलब प्रारंभ से ही अपनी शाखाएं जो होती है वो अपने शाखा के आसपास के क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन के लिए लगातार प्रयास करती है, इस बार के विजयादशमी उद्बोधन में और इस गति, इस कार्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, गति देने की दृष्टि से विशिष्ट आह्वान भी पूजनीय सरसंघचालक जी ने किया था। जैसे उन्होंने कहा था कि समरसता का जो संदेश है वो लेकर जाना है, पर्यावरण के संदर्भ में अपनी जीवन शैली कैसी हो, इस संदर्भ में पानी बचाना, प्लास्टिक को कैसे कम से कम करना, इस संदर्भ में उन्होंने आह्वान किया था। साथ ही अपने परिवार जो है, अपना कुटुंब है, उसको एक सुखी परिवार और समाज की दृष्टि से अच्छा कार्य करने वाला परिवार के रूप में कैसे आगे बढ़ाएं, तो ये सारे संदेश, स्वदेशी का संदेश और नागरिक बोध या नागरिक कर्तव्य का जो संदेश है, ऐसे 5 उन्होंने आह्वान किए थे कि जिसको लेकर पूरे समाज में के साथ मिलकर इस सामाजिक परिवर्तन के लिए स्वयंसेवकों को आगे जाना है। तो उस संदर्भ में जो इस कार्य को गति देने की दृष्टि से क्रियान्वयन कैसा हो, इस पर भी इस बैठक में विचार विमर्श होगा। और तो इसने महत्वपूर्ण ऐसे विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी और 3 दिन में पूरे देश भर से 381 इतने कार्यकर्ता इस बैठक में आ रहे हैं। इसमें विशेषकर सभी जो संघ की दृष्टि से हम लोगों ने जो अपनी रचना में 45 प्रांत बनाए, 45, उसमें सभी प्रांतों के प्रांत संघचालक, सह संघचालक, प्रांत कार्यवाह, सह कार्यवाह और वहां जो प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक, ये सभी प्रमुख मुख्य रूप से इस कार्यकारी मंडल में आते हैं। तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है और इसलिए देश में संघ कार्य के बारे में जैसे चर्चा होती है, देश समाज में जो परिस्थितियां उनके अनुभव में आ रही है, स्वयंसेवकों के जमीन पर वो जाते हैं तो जो अनुभव में आती है उस पर भी वो अपने अनुभव यहाँ पर बताते हैं और जिसके बारे में जो करणीय बातें होगी उस पर भी चर्चा होती है। तो स्वाभाविक रूप से भुज के कार्यकर्ताओं ने अच्छी व्यवस्था की है और यहाँ पर पहली बार ही भुज में कार्यकारी मंडल की बैठक हो रही है। आपको ध्यान में होगा कि पिछले वर्ष 1.5-2 वर्ष पहले ही अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा भी गुजरात में हुई थी, कर्णावती में।
अभी 3 दिन में परसों 5 तारीख सुबह 9 बजे से ये बैठक प्रारंभ होगी और 7 तारीख को सायं 6 बजे समाप्त होगी। आज बैठक के संदर्भ में कोई भी आपके प्रश्न हो या जो ब्रीफिंग के बारे में तो पूछ सकते हैं। स्वाभाविक है कि गुजरात में बैठक हो रही है तो वो यहाँ पर एक सौजन्य भेंट के रूप में यहाँ आए हैं और जैसे सभी लोगों से मिलेंगे वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे, वो सौजन्य भेंट करने आए हैं। नहीं, आप देश भर में संघ की बैठक तो देश के हर कोने में होती रहती है, मतलब बैठक तिनसुकिया में भी हुई है, संघ की बैठक केरल में भी हुई है और कर्नाटक में, सब जगह देश भर में होती रहती है। ये हमारा एक क्रम चलता रहता है और बाकी कुछ तो अच्छा ही है, हमारा चयन सही है। मंत्रिमंडल में से कोई विशेष उपस्थिति मंत्रिमंडल में से कोई केंद्रीय मंत्री या कोई नहीं, ये संघ की बैठक है, मैंने जो बताया वो लोग बैठक में अपेक्षित है। नहीं, आपने भाजपा का बताया। नहीं, संगठन मंत्री आएंगे उनके। संघ का जो विशेष रहता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है और उसके जो राजनीतिक परिणाम होते होंगे उसकी चर्चा आप लोग कर सकते हैं। सर, बॉर्डर और यहाँ पर गुजरात के जो अपने संघ के कार्यकर्ता है वो लगातार इस बात के बारे में चर्चा करते हैं और चिंता भी करते हैं और उसमें संघ के साथ साथ बहुत सारे विविध संगठन भी कार्य लगातार कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब और गुजरात की बैठकों में इसकी चर्चा होती है, इस बैठक में भी कुछ चर्चा इसकी होगी। नहीं, ये तो सतत करणीय कार्य है, सतत प्रयास चल रहे हैं। ये सरहदी विस्तार है, ये बैठक रखी गई तो कितना इसकी प्रस्तुति कितनी रहेगी? क्या ये सरहदी इलाका है, यहाँ बैठक रखी गई है, तो आप किस नजर से देखते हैं इसको? नहीं, अच्छा है क्योंकि जो हमारे देश की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ के लोगों ने हमेशा अपने देशभक्ति का परिचय दिया है और स्वाभाविक रूप से हम भी यहाँ से प्रेरणा लेकर जाएंगे और निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जो सीमा के संदर्भ में जो विषय है उसके संदर्भ में भी स्वयंसेवक इस बात को समझकर लेकर जाएंगे। संघ ऐसा कोई निर्देश नहीं देता है, सभी संगठन और सरकारें स्वतंत्र स्वायत्त रूप से काम करते हैं। कोई भी अगर विषयों पर कोई चर्चा होती है, सलाह लेते हैं, वो होता रहता है। सर जी, राम मंदिर को लेके कोई चर्चा मुझे लगता है अभी राम मंदिर को लेके कोई चर्चा इस बैठक में? मैंने कहा, मैंने बताया कि राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा स्थापना समारोह हो रहा है उस संदर्भ में संघ कैसे योगदान देगा और देश भर में जो उस दिन कार्यक्रम होने वाले मंदिर में उसमें संघ कार्यकर्ता कैसे योगदान देंगे, इस पर चर्चा यहाँ पर होगी, योजना भी बनेगी। अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं है। मैंने बताया राष्ट्रीय वर्तमान दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन सभी पर अपने अपने अनुभव कार्यकर्ता देश भर से जो आते हैं वो साझा करते हैं और उस पर चर्चा होती है। ठीक है, धन्यवाद आपका।